आदिवासी मुंडा समुदाय में किसी व्यक्ति का कान भेदी अतीत से ही एक परंपरा के रूप में रहा है। ये परंपरा समाज में प्रारंभिक जातिगत सामाजिक सदस्यता के रूप में विद्यमान है। आदिवासी मुंडा समुदाय में किसी व्यक्ति के कान भेदने का रिवाज अतीत से ही रहा है। सबसे पहले आंगन में चावल का गुंडी से मड़वा बनाया जाता है और उस मड़वा के ऊपर गांव की प्रत्येक महिलाएं अपने अपने घरों से सूप में धान लाकर डालती हैं। धान के ऊपर पीढ़ा पर सखुआ का पत्तल रख कर उसके ऊपर जिनका कान भेदना है परिवार के किसी एक सदस्य द्वारा गोद में लिया जाता है। कान भेदने का काम वही कर सकते हैं जो उस लड़का या लड़की का रिश्ता में मीता लगता है। कान भेदी सोना या चांदी के औजार से किया जाता है। जिस समय कान भेदा जाता है छत के ऊपर से लोटा में लिया हुआ पानी से छिड़काया जाता है। उसके बाद रोटी के टुकड़ों को छींटा जाता है। कान भेदी हो जाने के बाद उसे पुआल में सुलाया जाता है। पुआल से सुलाकर उठाने का तात्पर्य यह है कि उस दिन से वह आदिवासी मुंडा समुदाय का जातिगत रूप से समाज में स्वीकार माना जाता है। ने लिखा हुआ मुंडा समाज रे लुतुर तुकुई रे ने को तबु मेना इनाते ने को आलोबु रिणी का आलोबु अधिका अबु मुंडे समाज अलका दिबाओ का। मैंने इस पर वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मैं खुद एक आदिवासी समाज की सदस्य हूँ और आदिवासी मुंडा समाज में कान भेदी बहुत ही महत्वपूर्ण पारंपरिक रीति रिवाज है जो प्रत्येक के लिए अनिवार्य होता है। मैं अमिता झारखंड के खूंटी जिले से इंडिया अनहर्ड के लिए।